तो फाइनली काफी लंबे समय के बाद पूर्णिया यूनिवर्सिटी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। जो भी छात्र छात्राएं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 2021 में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे और फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, सेशन 2021 से 24 का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ जारी किया गया। आज के इस वीडियो में जानेंगे जो भी छात्र छात्राओं का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है कब से कब तक एडमिशन आ सकते हैं और कैसे चेक करें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया हुआ है या नहीं, और जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है आखिर उसका एडमिशन होगा या नहीं, पूरी जानकारी जानेंगे। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आज के डेट पर यानी कि 16 नवंबर को जारी किया गया है, इसे कहां से डाउनलोड करना है नहीं करना पूरी जानकारी जानेंगे। पूर्णिया यूनिवर्सिटी की पल पल की अपडेट के लिए चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी जानकारी के लिए आप गूगल पे आइए, सर्च कीजिए स्टडी एग्जाम 399, जैसे ही सर्च करते हैं सबसे ऊपर वाले वेबसाइट स्टडी एग्जाम 399.com ऑफिशियल वेबसाइट पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं स्टडी एग्जाम 399.com के आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, नीचे स्क्रॉल करना यूनिवर्सिटी अपडेट या एडमिशन वाले सेक्शन पे आपको आ जाना है। अभी जो आपको देख सकते हैं रिजल्ट वाले सेक्शन पर भी सबसे ऊपर में देखने को मिलेगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी यूजी पार्ट 1 फर्स्ट मेरिट लिस्ट एंड कट ऑफ लिस्ट को जारी कर दिया गया, तो सिंपली आपको यहां पर जो है क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एक नया पोस्ट खुलकर आएगा, उसके बाद यहां पर स्क्रॉल करना, पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट है तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि कब से कब तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है एडमिशन होगा, और उससे पहले न्यूज में आप देख सकते हैं रिलीज कर दिया गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट को, तो देख सकते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार एडमिशन डेट 17 तारीख यानी कि कल से 17 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक सभी छात्र छात्राएं जिसका जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नामांकन आया हुआ है सिलेक्शन हुआ है वह छात्र छात्राएं 25 नवंबर तक जाकर पुणे यूनिवर्सिटी के किसी भी जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। पुणे यूनिवर्सिटी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कॉलेज जिसका सिलेक्शन हुआ है, कॉलेज जानते समय आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसका अपडेट जो है इसी वेबसाइट स्टडी एग्जाम 399.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा कुछ ही सेकेंडों में या मिनटों में कर दिया जाएगा। जैसे रिक्वायर्ड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट था, इसी तरह रिक्वायर्ड ऑफलाइन एडमिशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। यहां पर आप लोगों को एडमिशन के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को मेरिट लिस्ट चेक करना, तो सिंपली इंपॉर्टेंट लिंक के नीचे आना है। यहां पर आपको जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट चेक करना है यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया हुआ है, यानी ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर तीसरा नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा, थोड़ा वेट करना, उसके बाद आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहां तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक करके जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पुणे यूनिवर्सिटी की पल पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कुछ कंडीशन यही है कि यहां पर जो है सिर्फ बीएससी, जी हां, जो भी छात्र छात्रा बीएससी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे उन्हीं का जो है मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। बीए और बीकॉम वाले का, जी हां, बीए और बीकॉम वालों का जो है अभी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया, तो इस बात का आप लोग घबराइए नहीं, जैसे ही जारी किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो बता दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े रहिए, पुणे यूनिवर्सिटी का हमने एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सबसे ऊपर में रहेगा, वहां से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। जैसे ही कोई भी अपडेट पुणे यूनिवर्सिटी का आएगा बीए और बीकॉम वाले स्टूडेंट का कि मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा तो तुरंत हम आपको बता देंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों का जो है उसके बाद जैसे ही बीएससी का कि अब बीकॉम का सेकेंड बार जो है बीकॉम का करेगा, उसके बाद जो है बीए का करेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं जिसमें कि लिखा गया 17 से 25 तक में जो भी छात्र छात्राओं का नामांकन आया हुआ है एडमिशन करा सकते हैं, एडमिशन डेट दिए गए। और एक भी चीज़ का इंपॉर्टेंट जानकारी में, यह चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप जो है एडमिशन लेने के लिए किसी भी कॉलेज जाते हैं तो 5 बजे तक, जी हाँ फ्रेंड्स, 5 बजे तक अगर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आपका नामांकन नहीं होता है तो आप फिर से उसी
दिन ही एडमिशन का जो है पोर्टल पर अपडेट करना होगा। यह नोटिफिकेशन जो है सभी कॉलेजों को आईटी सेल को दिया गया है कॉलेजों के, जी हाँ फ्रेंड, साफ साफ यहाँ पर कह दिया गया है। उसके बाद देख सकते हैं कोई भी छात्र छात्रा जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है बीएससी वाले छात्र छात्राओं के खास करके बारे में बोला गया है, और यह नोटिफिकेशन कॉलेज के लिए दिया गया है कि अगर नहीं नाम आया हुआ है तो आपको जो है एडमिशन नहीं लेना है, किसी भी हाल में एडमिशन जो है कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करना है जिसका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उनको वेट करना है। उसके लिए भी यूनिवर्सिटी जो है कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर निकालेगी, जैसे ही निकालती है तो आपको बता दिया जाएगा। अब लोगों का डाउट्स होगा, सर मेरिट लिस्ट में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है या नहीं, कैसे चेक करें? उसके लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले ऑप्शन क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट लॉग इन करना होगा, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालना है, बीएससी वाले स्टूडेंट ही डालेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोगों को इनवैलिड बता रहा है या कुछ भी बता रहा है या इनकरेक्ट बता रहा है तो फॉरगेट वाले ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही फॉरगेट वाले ऑप्शन पर यूज करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। या आपके पास पासवर्ड नहीं होगा तो डायरेक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिए, कैप्चा कोड डालिए। उसके बाद आपको क्या करना है, गेट ओटीपी वाले यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद फिर से एक नया पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहां से फर्स्ट मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए आ गया। हमारे पास किसी भी स्टूडेंट का डिटेल्स नहीं होने के कारण यहां पर हम आपको चेक करके नहीं बता पा रहे। आप लोग जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, अपना जो है मोबाइल नंबर पासवर्ड दीजिएगा तो एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कैसे आप लोग चेक कर पाइएगा, कैसे आप लोग ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर को डाउनलोड कर पाइएगा, कैसे एडमिशन कराने के लिए जाइएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, सारा चीज के लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। अगर आप लोगों का कमेंट्स रहा, प्यार रहा, तो आप लोग जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।